एक स्टोरी मैं आज आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बनी इसराइल का, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में बनी इसराइल का बहुत ज़्यादा तस्करा है। हज़रत मूसा की जो कौम थी बनी इसराइल, उसका बहुत ज़्यादा तस्करा था। बड़ी लाडली कौम थी ये जो बनी इसराइल थी ना। एट टाइम्स व्हेन आई रीड एंड द काइंड ऑफ प्रिविलेजेस दे हैव, आई एम लाइक वाओ अल्लाह, बड़े प्रिविलेजेस थे इनको। मगर कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा प्रिविलेजेस होते हैं उतने इम्तिहान होते हैं। एक शख्स था बनी इसराइल में, और बनी इसराइल का वो जो एक शख्स था, वो एक दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि ए मूसा, मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ये जो नहीं होते बर्ड्स और जितने ये जितने भी जानवर हैं ना, मुझे इनकी बोलियाँ सिखाएं। तो हज़रत मूसा ने कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम इनकी बोलियाँ सीखो, तुम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह के ऊपर तुम यकीन रखते हो। तो उसने उसकी हुज्जत ये दी कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूँ, मेरा यकीन ने कामिल है अल्लाह की, आपके अल्लाह के ऊपर जो आपने बताया, मगर मैं ये चाहता हूँ, मैं जब लोगों से गुफ्तगू करता हूँ तो उनकी बात तो दुनियावी बातें होती हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी मार्फत को ज़्यादा बुलंद करूँ, और मैं सुनना चाहता हूँ कि ये जो होते हैं जानवर होते हैं, ये किस तरह से अपने रब को मानते हैं। बहरहाल उन्होंने बहुत ज़्यादा रिजिस्ट किया, उन्हें कहा कि ये ना सोचो, इस तरह से ना सोचो, मगर वो ना माना। अल्लाह की बारगाह में जनाब मूसा गए, जनाब मूसा ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, ये एक शख्स है और ये चाह रहा है कि इसको बोलियां मैं सिखाऊं, तो क्या मुझे इजाज़त है? अल्लाह सुबहाना व तआला ने जनाब मूसा को इजाज़त दे दी। जब इजाज़त मिली तो जनाब मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को कहानियाँ, वो ज़ुबानें, बोलियाँ सिखानी शुरू कर दी। जब बोलियाँ सिखानी शुरू कर दी तो कुछ ही दिनों में, बड़ा इंटेलिजेंट शख्स था, कुछ ही दिनों में उसने बोलियाँ, जो बोली थी मुख्तलिफ जो ज़ुबानें जानवरों की, वो सीख लीं। जब सीख लीं तो वो एक रोज़ अपने घर गया। जब अपने घर गया तो उसने देखा कि उसके पास गाय है, घोड़ा है, एक मुर्गा था और साथ एक कुत्ता था। मुर्गा और कुत्ता ना आपस में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो जो उनके उस बंदे के घर की जो काम करने वाली कनीज थी, उसने यूँ से नाश्ता दिया, और नाश्ते के बाद वो जो कपड़ा होता है दस्तरखान, उसको झाड़ा तो उसके ऊपर से कुछ गंदम के दाने और एक बोटी जो थी वो इस तरह से गिरी, टुकड़ा खाने का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, सॉरी नॉट बोटी, रोटी का टुकड़ा गिरा। तो एकदम से मुर्गा लपका और उसने रोटी का टुकड़ा लिया और उसको खाना शुरू कर दिया। उसने कहा, तो जो कुत्ता था वो उसको कहने लगा, तुम जानते भी हो कि तुम वहाँ पर गंदम के दाने थे, तुम अपनी चोंच से गंदम के दाने भी खा सकते थे, मगर तुमने भी रोटी का टुकड़ा खाया, जबकि ये मेरा खाना हो सकता था और मैं इसको खा के सेर हो जाता। अब वो जो शख्स है वो सारी गुफ्तगू सुन रहा है उस कुत्ते और उस मुर्गे की। अब उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि उसने नई नई सीखी, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। इतने में ये हुआ कि जो मुर्गा था ना, उसने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, जो हमारा मालिक है ना, इसका घोड़ा कल मर जाना है, जब कल घोड़ा मर जाएगा तो तू आराम से उसका गोश्त खा लेना। अच्छा भाई, जब उस बंदे को पता चला कि कल मेरे घोड़े ने मर जाना है, अच्छा अब वो बहुत एक तो दुखी हुआ और साथ थोड़ा एक्साइटेड भी हुआ। कहता है, ये मेरे घोड़े ने कल मर जाना है, जनाबे मूसा ने मुझे ये कहा था कि इसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा इसको सुनने का, ये बोलियाँ सीखने का, जबकि मुझे तो इसका फ़ायदा हो रहा है। तो व्हाट ही डिड वाज कि वो अपना घोड़ा उसने लिया और वो घोड़ा जाके उसने बेच दिया, मार्केट में जाके घोड़ा बेच दिया। अब वो घर आया, अब वो देखा उसने, जब घर वापस, बड़े खुशी खुशी से घर वापस आया, जब घर वापस आया तो उसने देखा कि वही मुर्गा और कुत्ता जो है बैठ के बातें कर रहे हैं। वो बहुत ही दुखी है, बहुत भूख उसको लगी हुई है कुत्ते को, और मुर्गा जो है वो बड़ा आराम से बैठा रहा, तो वो उसको ताने दे रहा था जिस तरह हम लोग आपस में एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं। तो मुर्गे ने, कुत्ते ने मुर्गे को बहुत ताने दिए कि तुम्हारी वजह से मेरा पेट नहीं भरा और मुझे कुछ खाने को नहीं मिला और ये वो सारा सिलसिला। उसने कहा, क्यों इतना उतावला हो रहा है, इतना क्यों परेशान हो रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार कर, कल हमारे मालिक का जो बैल है ना, उसने मर जाना है, वो मरेगा ना तो उससे तुम अपना फ़ायदा कर लेंगे। अच्छा जी, अब वो जो बंदा था, वो जो शख्स था बनी इसराइल का,
वो बड़ा परेशान हुआ और दुखी भी हुआ। उसने कहा अच्छा चलो बात तो दुख की है, मगर ये कि चलो ये इसका तो मुझे फ़ायदा हो गया, इनकी मैंने सारी सुन ली है और जान ली है, तो मेरा नुकसान होने से बच गया। फिर उसने सोचा कि मुझे तो वो कह रहे थे कि मुझे इसका नुकसान होगा, मुझे तो फ़ायदे पे फ़ायदा हो रहा है बोलियाँ सीखने का। बहरहाल वो गया, उसने अपनी बैल को बेचा और ऐसा ऐसे टुन टुन करके वो घर वापस आ गया। बहरहाल वो जब घर वापस आया, अब वो जो कुत्ता था ना, वो इस कदर भूखा था, इस कदर भूखा था कि वो भूख से ना वो बस भौंकता ही चला जा रहा था, बोलता जा रहा था और उसको ताने दिए जा रहा मुर्गे को कि तुम्हारी वजह से मैंने देखो ये नहीं किया, मुझे अभी तक भूख लग रही है। तुमने पहले दिन कहा घोड़ा मुझे नसीब होगा, घोड़ा नहीं हुआ, आज बैल, बैल भी चला गया, बैल भी नहीं मुझे मिला, कुछ नहीं मेरा तो मतलब यू नो बहुत ज़्यादा वो अपसेट था। उसने कहा, तो जो मुर्गा था ना वो बड़ा ही कोई रॉयल तबीयत का इंसान था, बहुत पुरसकून किस्म का ना, तो उसने कहा तो फिक्र नहीं कर, डोंट वरी, कल तक का इंतज़ार कर ले, अपना जो मालिक है ना बस उसका आज आखिरी दिन है, कल उसने चले जाना इस दुनिया से, तो कल जब वो चला जाएगा तो घर में मेहमान आएंगे, खाना बनेगा, मुर्गा शुर्गा बज़ाहिर लोगों की खातिर तवाज़ा होगी, तो जब वो मेहमान आएंगे खाना वाना खाएंगे, बोटियां शोटियां फेंकेंगे, बस तेरी ईद हो गई, वो मर जाएगा तेरी ईद हो जाएगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर, सब्र का फल मीठा होता है। बहरहाल जब ये सुना उस शख्स ने बनी इसराइल के, तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान और कहते हैं ना हैरत से कांपने लगा, लिटरली कांपते कांपते वो पहुंचा जनाबे मूसा की बारगाह में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उसने कहा कि आपने दुरुस्त फरमाया, मेरे तो ये तो बोलियां सुन के तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया, मुझे पता चला कि कल मैंने चले जाना है, कल मेरी मौत हो जानी है, तो मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दें, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी जो मसलहत आपने मुझे सिखाई और समझाई थी मुझे नहीं समझ आई, और ये तो इट्स गेटिंग रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जनाब मूसा ने कहा मैंने तो तुझे कहा था पहले, मैंने तुम्हें वार्न किया था, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, फिर अल्लाह ने मुझे कहा, अल्लाह से मैंने सवाल किया, उसने मुझे जवाब दिया, तो मैंने उसके कहने पे तुझा, और ये तेरी कज़ा को तो मैं पहले ही देख चुका हुआ था और मैं जानता था कि ऐसा होगा अगर तूने ये सब कुछ इस तरह से किया। और वो शख्स जो है वो फिर अगले दिन दरअसल उसकी मौत हो गई। अब इस स्टोरी से जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको जो दुनियावी नुकसानात होते हैं कि जिन दुनियावी नुकसानात को देखकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हम कहते हैं कि ओ मुझे ये नुकसान हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मगर हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, हम इस चीज़ को देख नहीं पाते, हम उस चीज़ को उसकी जो हिकमत होती है उसको समझ नहीं पाते कि कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में जो नुकसानात हो रहे होते हैं, छोटे छोटे नुकसानात हो रहे होते हैं, कई दफ़ा हमारी मतलब हमारे से रिलेटेड कोई भी चीज़ किसी कोई घरों में अक्सर हम देखते हैं कि कबूतर मर गया या कोई बिल्ली मरी होती है तो हम परेशान, तो हम नहीं जानते कोई ऐसी चीज़ जो हमारी फेवरेट चीज़ होती है उसका नुकसान हो जाता है, कभी कोई ग्लास टूट गया, कभी कोई शैंडल, तो पता नहीं अल्लाह सुभान व तआला कौन सी मुश्किल जो है वो टालता है और कौन सी चीज़ जो है वो, कई दफ़ा हमारे फाइनेंशियल नुकसान हो जाते हैं उसके ऊपर हम इतना अपसेट हो जाते हैं कि अरे ये क्यों हो गया हमारी ज़िंदगी में, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था, हम कई दफ़ा ज़िद करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से ज़िद लगा लेते हैं, कई दफ़ा हम अल्लाह से फिर शिकवा और शिकायत करते हैं, मगर अल्लाह सुबहाना व ताला जो भी हमारे लिए करता है वो बेहतरीन करता है और जो वो करे हमें उस पर राज़ी होना चाहिए,